हाँ भजन, ये वो है पिज्जा लावा, जिसकी चीज आप देख सकते हैं किस लेवल की है, और ये इतने कम रेट के अंदर आपको सिर्फ तुर्किश हट हैदराबाद में प्रोवाइड कर सकते हैं। लावा तो अगर काफ़ी सुना है, पिज़्ज़ा लावा फर्स्ट टाइम है, तो ट्राई करते हैं और फिर इसके टेस्ट के बारे में आपको फीडबैक देते हैं। यार मुझे पिज़्ज़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा रेडी होते हुए, अब देखते हैं बन के आएगा तो किस तरह से, देखते हुए तो भूख लग गई वाकई में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तुर्किश हट के ऊपर, जो कि हैदराबाद के अंदर न्यूली एक स्टार्टअप है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको खाने की मिल जाएगी तुर्किश के हवाले से। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो लगी यहाँ पे इसका जो पिज़्ज़ा लावा है, और उसके बाद ये है इनका तुर्किश बाइट, जिसके रेट सुन के आप यकीनन हैरान ज़रूर होंगे जब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद इसके रेट। और इनके पास एक और चीज़ है पिज़्ज़ा, नाम थोड़ा चेंज है लेकिन ये जिंगर के अंदर कुछ पिज़्ज़े का टेस्ट मुझे लग रहा है, इसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है, लेकिन दिखने में ये बहुत ही मतलब ऑसम लग रहा है। इसका जो लेवल है वो कुछ अलग ही लग रहा है, और ये तुर्किश बाइट अब हम चेक करेंगे। मैंने इससे पहले कभी टेस्ट नहीं करा, नाम सुना है सिर्फ। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ सब मौजूद है बाबर और गाजी, जो इसको कैमरा वगैरह करें। तुर्किश हट नाम इसलिए रखा, हमने इसमें स्पाइसेस यूज़ करें, तुर्किश स्पाइसेस यूज़ करें, और जो हमारी रेसिपीज़ है ना वो जेन्युइनली जो ना तुर्किश स्टाइल की जो ना हमारी रेसिपीज़ है, काफ़ी मज़े का लग रहा है, तो टेस्ट करते हैं देखते कैसा है। पर्सनली यार मुझे चीज़ वाले जो पिज्ज़े होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, और इतनी चीज़ मैंने किसी पिज्ज़े के अंदर फर्स्ट टाइम देखी। रेट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, बेहतरीन टेस्ट में अगर सिम बनाना तो आधा कुछ तुर्के चढ़े यार, ज़बरदस्त है। लावा का जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें, वाकई में नज़र आ रहा है कि वाकई लावा है, पिज़्ज़ा लावा ही है, बेहतरीन। असल में हम लोग जो तुर्किश हट हमने स्टार्ट किया था, इसमें हर चीज़ हाइजेनिक इस्तेमाल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का सारा जितने भी मीट हो गए, स्पाइसेस हो गई, चीज़ हो गई, सब कुछ हाइजेनिक। यार भाई इनके एक और जो आइटम है उसके अंदर सबसे मज़े की चीज़ मेरे को इसमें लग रही है, जो पिज़्ज़ा है। अब लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, खाने में काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इस जगह से खाऊंगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब तीन जायके आपको एक चीज़ मिल रहे हैं, पिज़्ज़ा अलग मिल रहा है, जिंगर अलग मिल रहा है, और तो इसके ऊपर टॉपिंग हुई भी ना, वही बड़े मजे की है। पिज़्ज़ा भी बहुत आला है, तुर्किश लावा जो पिज़्ज़ा है ना, ये भी एक तुर्किश डिश है ना लावा, उसके अंदर स्पाइसेस भी तुर्किश है। हमारा जो टेस्ट है ना वो दूसरी मार्केट से, हैदराबाद और कराची की जितनी मार्केट से हट के टेस्ट है। 550 का ही आपको मिलेगा पिज़्ज़ा लावा, जिसमें इसकी डबल लेयर्स है, चीज़ की भी डबल लेयर्स है। बर्गर भी वाकई टेस्टी यार, एक्सट्रीम लोडेड है, एक्सट्रीम, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस बर्गर में ना हो, मतलब तो टेस्ट भी लाजवाब। अच्छा जी, इस वक्त मैं इनका फर्स्ट ये बाइट कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा आता है, बड़ा मज़े का लग रहा है, टेस्टी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो खा के चेक करते हैं कैसा है। लावा के मुकाबले में चीज़ थोड़ी कम है, लेकिन जो चिकन के अंदर स्पाइसीज है और जो इनका टेस्ट है काफ़ी अलग है, इससे हट के पिज़्ज़ा से अगर आप हट जाएँ थोड़ा सा, तो पिज़्ज़ा लावा डिफरेंट टेस्ट है, और पिज़्ज़ा रोल का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। यार इतनी लोडेड चीज़ के साथ ये पिज़्ज़ा बनाया गया है, तो इसको अगर लावा कहा जा रहा है तो ये गलत नहीं है। अच्छा इनके पास एक ये पिज़्ज़ा रोल भी है, जो कि बड़ा मतलब सॉस से तो ऐसा भरा हुआ है, सॉस चीज़ से कि मतलब मज़ा आ जाए खा के। ये पेरी पेरी बाइट भी इनके पास है, जो कि बेसिकली जो है वो मसालों वाली मिर्च जिसे कहते हैं, उस पर इन्होंने जिंगर की कोटिंग की है, जो कि अक्सर क्या कहते हैं ब्रोस्टेड के ऊपर इस्तेमाल होती है। इसमें भी चीज़ भरी है भाई, इसमें भी चीज़ है, सॉस है, वाओ कमाल है, अच्छा आइडिया है, मैं ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। क्या मैं पेरी बाइट कर रहा था तो पेरी में निकाल दी रही है, बाइट में टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बाइट ना चीज़ के साथ, ये चीज़ का थोड़ा सा तड़का
जो जो यहाँ पे सामान रखा हुआ है, जो चीज़ें रखी हुई हैं, मैं तो कह रहा हूँ बंदा एक बार आगे ज़रूर ट्राई करे चीप रेट्स में, और ये टेस्ट वाकई में टर्की हट दे रहा है। जितने भी आइटम अभी हमने टेस्ट करा है वो टेस्ट में जो ना वाकई ज़बरदस्त है, यानी कमाल के थे। और प्राइस जैसे कि भी काफ़ी डिस्कस हो चुका है प्राइस को लेकर, तो प्राइस तो वाकई जो है वो रीजनेबल है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो मेन चीज़ें जो मैटर करती हैं यहाँ पे वो है टेस्ट, जो वाकई कमाल का। मैंने यहाँ पे हर चीज़ ट्राई करी है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर हैदराबाद में अगर आप हो ना तो एक दफ़ा ज़रूर आ। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल चीज़ों का जो रेट है, मैं आपको बोल रहा हूँ 10 में से 9 दूंगा। उसकी वजह ये कि इतने कम रेट के अंदर इतना अच्छा टेस्ट आपको पूरे हैदराबाद में कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप इनकी बात करें तो फास्ट फूड हो गए, ये पिज़्ज़ा हो गया, और तुर्किश पाइट तो 350 रुपये का, तो मैं बोल रहा हूँ आपको पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा होगा। तो आगे एक दफ़ा टेस्ट करें यहाँ पर। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, हैदराबाद के अंदर लतीफाबाद यूनिट नंबर 9 के अंदर आप देखेंगे तो PSO पेट्रोल पम्प उसके बिल्कुल बराबर में इनका जो रेस्टोरेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और जिन दोस्तों को आप चाहते हैं कि आपको क्रेडिट दें तो